हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एएमयू 2024 के ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एएमयू 2024 के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का नेम है एएमयू 2024। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एग्जाम टाइप है यूनिवर्सिटी लेवल। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन मोड। एग्जाम फ्रीक्वेंसी है साल में एक बार होता है। एग्जाम मोड है सीयूटी ऑनलाइन मोड है। एएमयू ट्रिपल ई ऑफलाइन मोड है। सिलेक्शन प्रोसीजर होता है थ्रू सेंट्रल एडमिशन टेस्ट एएमयू सीयूटी, डिपार्टमेंटल टेस्ट, नॉन टेस्ट कोर्स, मेरिट स्कोर। एग्जाम डेट की बात है तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2024। लास्ट डेट है थर्ड वीक ऑफ मार्च। लास्ट डेट है फी सबमिशन का थर्ड वीक ऑफ मार्च। एप्लीकेशन करेक्शन आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम इज सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड रिलीज होगा फर्स्ट वीक ऑफ मई। एग्जाम डेट है 15 से 31 मई 2024। अभी हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है सीयूटी यूजी के लिए सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2024। एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो भी ऑनलाइन मोड में आने वाला है और इसके अंदर कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको सेपरेट कोर्स के लिए सेपरेट फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना है। नेम, क्वालिफिकेशन डिटेल, ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। आपको कलर फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आपको स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके अंदर आपको करेक्शन फैसिलिटी मिल जाता है। लास्ट डेट है सीयूटी यूजी का लास्ट वीक ऑफ मार्च 2024। एप्लीकेशन फीस की बात करें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप पेमेंट करते हो आपको 100 रुपीज का चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मली ऑफलाइन करो कि ऑनलाइन करो, ऑनलाइन के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना होगा या फिर डीडी पेमेंट गेटवेज के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अप टू 3 सब्जेक्ट की बात करें फॉर जनरल यूआर के लिए 750, ओबीसी के लिए 700 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपीज। अप टू 7 सब्जेक्ट की बात करें जनरल के लिए 1500, ओबीसी के लिए 1400, एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी के लिए 1300। अप टू 10 सब्जेक्ट की बात करें जनरल के लिए 1750, ओबीसी के लिए 1650, एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी के लिए 1550। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एएमयू 2024 के लिए? सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड, अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। उसका सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लेना फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपको मिनिमम पास करना पड़ेगा 12th लेवल और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप कर सकते हो। अगर आप कोई फेल्ड कैंडिडेट है 1 और 2 सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर ऑफ में हो तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो फॉर 2024 के लिए। अदर कोर्सेज की बात करें बीटेक के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी और आपको पास होना पड़ेगा फॉर पीसीएमई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। मिनिमम आपका 50% मार्क्स आने चाहिए तो ही आप अप्लाई क्वालिफाई कर सकते हो। फॉर एमबीए की बात करें आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स, 1 जुलाई 2024 तक लास्ट होता है आप अप्लाई करने का। मिनिमम आपके जो एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए। बीकॉम होनर्स कोर्स की बात करें आपको पास आउट करना पड़ेगा क्लास 12 का लेवल इंटरमीडिएट। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट का मैंडेटरी सब्जेक्ट है और जो फॉलोइंग सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, बैंकिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपको मिनिमम डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस उसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें सीयूटी यूजी के लिए आपको नॉर्मल ऑनलाइन मोड भी करना पड़ेगा सीबीटी मोड। टोटल 13 लैंग्वेज में यूजी लेवल कोर्स का जो एग्जाम्स होता है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। सेक्शन फर्स्ट टाइम में 13 डिफरेंट लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ता है और सेक्शन फर्स्ट बी में आपको 20 डिफरेंट लैंग्वेज होता है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट है। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सेक्शन सेकंड डोमेन में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, आपको 35% अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 27 डोमेन में से आपको एक डोमेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस डोमेन आप फील्ड के लिए आप अप्लाई करो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड आर का जनरल टेस्ट। 60 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है फॉर यूजी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी विच इज जनरल एग्जाम इज यूज फॉर एडमिशन। बीटेक कोर्स की बात करें आपको नॉर्मल एएमयू और ट्रिपल ई के लिए आपको 150 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। 3 सेक्शन होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसके अंदर 0.25 मार्क्स का जो है नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस की बात करते हैं फॉर क्लास 11th और 12th के लिए और पीजी कोर्स के लिए आपको नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश और टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। बी आर्किटेक्चर कोर्स के लिए आपको नॉर्मल जो टॉपिक्स है वो डिजाइन ड्रॉइंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट कार्ड्स हैंड स्केचिंग ऑफ स्किन बुक काउ स्टाइल लोगो। BLLB के कोर्स हैं और जनरल इंग्लिश करंट अफेयर जनरल इन्फॉर्मेशन रीजनिंग एंड पावर। MBA कोर्स की बात करते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी कॉम्प्रेंशन वर्बल एबिलिटी रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके रिगार्डिंग में उनको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।